सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल जो कि ऑल अबाउट थिंग्स। एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर सपोर्टिंग माई वीडियोज़ जो कि है हाउ टू मेक टेलीस्कोप इन चीप प्राइसेस। बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला है, थैंक यू वेरी मच। और कहीं ने मेरे को सब कमेंट करा था कि आप हमें लेंसेज गिफ्ट करिए, तो वो होगा डेफिनेटली गाइज। थोड़ा समय लगेगा बट होगा, थोड़ा वेट कीजिए। तो आज का जो हमारा वीडियो हुआ है दोस्तों, इस पे है कि दो लेंस हैं, एक 50mm है और एक 90mm है। तो इसमें फ़र्क ये है दोस्तों कि ये दोनों फोकल लेंथ इन दोनों का सेम है जो कि है 700mm। हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको प्लैनेट्स देखने हैं, मून्स देखने हैं या कोई भी एक स्टार्स वगैरह देखने हैं, तो उसका फोकल लेंथ हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। और आपको डीप स्काई व्यू देखना है तो आपका फोकल लेंथ 500mm होना है, मतलब कम होना चाहिए, तो वो ज़्यादा एरिया कैप्चर करेगा एज़ कम्पेयर टू सिंगल पॉइंट। तो दोस्तों ये 50mm का लेंस है, आई मीन इसका डाया 50mm है और ये दो लेंसों को जोड़ के बनता है जो कि इसका टॉप पे, ये देखिए अभी दिखाता हूँ, ये जो टॉप है, ये टॉप इसका कॉन्वेक्स है एंड बॉटम इसका कॉनकेव है। और ये हम इसलिए करते हैं जिससे कि लाइट जब एंटर करती है तो उसमें रेज स्कैटर्ड हो जाती है, मतलब रंग बिरंगा दिखता है इमेज, वो उसका एक्चुअल कलर हमें दिखे, इसलिए हम दो लेंसों को जोड़ते हैं जो कि ये क्रोमेटिक एब्रिएशन को ख़त्म करता है, अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो। तो ये 90mm का लेंस है गाइस, ये एक तरह से हाईएस्ट है, इससे भी स्मॉल स्केल आता है जैसे 80, 85, 75, 60, बट मैंने सोचा सीधा हाईएस्ट पे ही जाएंगे और अच्छा व्यू हमें जो जो हाईएस्ट देगा वो ही लेंगे। तो मैंने जिनसे ये ख़रीदा है वो स्पेशल ऑर्डर पे बनाते हैं क्योंकि इसे बनाने में काफ़ी कॉस्ट लगता है और इसमें मेहनत भी बहुत होती है और टूट भी जाते हैं बनते बनते, तो वो 2 या 3-4 का ही ऑर्डर लेके बनाते हैं और काफ़ी समय लगा इसे आने में, बट फाइनली ये आ गया है। तो अब इसके बाद मैं इसको टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन, पीवीसी पाइप वगैरह जो भी है वो लाके इसे बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कैसे बना सकते हैं। और ये काफ़ी हैवी भी लेंस है, तो आप इसे ध्यान से कभी भी ख़रीदते हैं, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ख़रीदते हैं तो आप प्रिकॉशन बरतें कि आप इसे सॉफ्ट क्लोथ से पकड़ें, ठीक है, इस तरह से, मतलब सेफ्टी रखनी है जिससे कोई स्क्रैच वगैरह ना आए क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली होता है। तो ये थोड़ा डिटेलिंग था लेंसों के बारे में, आई होप आपको अच्छा लगा हो। और दोस्तों ये इंडिया में ही है, इट इज़ मेड इन इंडिया, सो बेस्ट है, चाइना से लोगे तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्रेस द थम आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, अगर आपको अच्छा लगा हो तो। And thanks a lot for supporting my videos, guys. Thanks.